किसान बिल के विरोध में आज कोलापार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार किसानों की समस्याओं को देखते हुए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जबकि पिछले 19 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच हर दौर की वार्ता विफल होती जा रही है। लिहाजा सरकार को इस तरह कोई सार्थक कदम उठाने की जरूरत है, और यदि सरकार ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस किसानों के साथ समर्थन के लिए किसी भी हद तक जा सकती। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर आवाज में कहा कि किसानों की आवाज को कतई भी दबाने नहीं दिया जाएगा और किसानों की लड़ाई लगातार जारी रही। हमारी जो 3 काले कानून सरकार ने पास कर दिए हैं उद्योगपतियों के हित में, जो कानून बनाए गए हैं, आज एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में हमारे गोलापार क्षेत्र और तमाम क्षेत्रों से आए किसान भाइयों द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया गया। और सरकार को हम चेतावनी देनी चाहते हैं, जिस तरह आपके द्वारा किसानों का दमन किया जा रहा है, दमनकारी नीतियाँ जो अपनाई जा रही हैं, किसानों पर ठंडे पानी की फुहारें जो छोड़ी गई, किसान जो है फुहार से नहीं डरता, डरता है। किसान अगर कुल्ला भी करता है तो नदी की धार से करता है, वो क्या डरेगा पानी की फुहार से। तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, सरकार ने जो दमनात्मक रवैया जो अपना रखा है और चारों तरफ हमारी सेना जो जिसने सीमाओं की रक्षा करनी थी उसको लाके टोल प्लाजा में खड़ा कर दिया किसानों के विरोध में, जवान के विरोध में किसान को खड़ा करना, ये एक दुख का विषय है और महत चिंता का विषय है। और सरकार को अपने कदम पीछे लेने चाहिए और 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। हमारी ये मांग को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं।